हेलो स्वागत है आप सभी का, स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल निम्बो गेम पे। तो लेट्स रॉक। तो गाइस आज ना मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से प्लान था ना, मेरा दिमाग बौखलाया पड़ा है। मतलब तुमने रिसेंटली देखा होगा भाई, सीओडी मोबाइल कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा, कुछ नया नहीं कर रहा। हाँ मतलब कभी कभी अभी उन्होंने एक वियतनाम वगैरह में बीटा टेस्टर में पोल वोल सा रखा है कि भाई तुम्हें कोल्ड वॉर जैसा, मतलब कुछ कोल्ड वॉर में से चाहिए या फिर मॉडर्न वॉरफेयर का मैप वैप चाहिए। लेकिन भाई होता क्या, उससे तुम लाते रहो, तुम्हारा इंडिया का सर्वर तो बना नहीं, अभी तक पिंग देख रहा हूँ कहाँ तक आ रही है। मतलब सीओडी मोबाइल मैं इतना मानता हूँ कि भाई पबजी को देख लो तुम, पबजी का न्यू स्टेट आ रहा है। मतलब ना वैसे तो देखो ट्रेलर देखते फट गई गई सबकी सीओडी मोबाइल गरीना की, या फिर मतलब तुम्हारा फ्री फायर गरीना वगैरह है। तो भाई उन्होंने देखो ना वो पूरा गेम ही बदल दिया, उन्होंने प्रीरजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया। और नहीं तो कितनी फेमस चीज़ें हैं यार, तुम फ्री फायर में ले रहे हो, डीजे आलोक इतना फेमस है, तुम्हारा ग्लेशियर M16 वो मुझे नहीं पता कि पबजी की होती है कि फ्री फायर की होती है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं और मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ है ना इनमें स्वैग है कि मतलब हाँ कि भाई तुम ये ले रहे हो, तुम्हारे पास ये है। लेकिन भाई सीओडी मोबाइल में क्या है, बस क्रेट्स आती हैं, मतलब लीजेंडरी करेक्टर लीजे वो आते हैं लकी ड्रॉ और अपना फिर दोबारा आ जाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है ना जो एकदम चलती हो, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ हो कि भाई ये सबसे टफ या फिर ये इतने महंगी है, जो भी है। मतलब एक किसी भी चीज़ का ना महंगी से भी मतलब नहीं होता है, क्रेज़ होता है कि हाँ भाई क्रेज़ है कि नहीं है भाई। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है सीओडी मोबाइल में, वही सेम बैटल रॉयल चल रहा है, तुम दो चार चीज़ें कर देते हो, कोई इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता इसमें कि तुम, या तो बड़े बड़े तुम्हारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं पबजी के, अब तो खैर इंडिया में इतने चल रहे, फ्री फायर में तो भाई तुम्हें पता ही है उसका सीन कि लोग इसलिए पसंद करते हैं, लैग नहीं होता वो लो एंड डिवाइस में, और यहाँ तो हमारा हाई एंड डिवाइस में लैग होता है। गेम की दिक्कत नहीं, गेम की इतना भी ग्राफिक्स महान नहीं है, लेकिन भाई ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन ही टट्टी है, मतलब कुछ कर रहे नहीं, फिर ये चाह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिला। हाँ मैं मान रहा हूँ तुम देख सकते हो कि भाई सीओडी मोबाइल का कोई भी यूट्यूबर जो इंडिया का हिंदी कंटेंट बनाता हूँ, मतलब उसके सब्सक्राइबर्स मतलब किसी के भी 1 मिलियन है, जरा तुम बताओ मुझे। और पबजी मोबाइल में देख लो भाई साहब, मतलब मॉर्टल हो गया, स्काउट हो गया और भी डायनेमो हो गया, बहुत सारे कितने मिलियन में सब्सक्राइबर्स। और दूसरी बात इनकी ये बताओ तुम कि मतलब फॉरेन का है यहाँ पे, शायद आईफायर जैसा सबसे बड़ा चैनल, उसके भी 4 मिलियन के आसपास होंगे, 3-4 मिलियन। तो मतलब देख लो उससे ज़्यादा तो इंडिया में पबजी के चैनल्स हैं, मतलब बड़े बड़े तो फॉरनर के, तुम्हें पता ही है फॉरन में चैनल कितने बड़े होते हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब का क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा और पहले से है, बस ये दिक्कत रह जाती है। तो मतलब देख सकते हो तुम क्या सीन हो रखा है, तो मतलब ये क्या है, मतलब सीओडी मोबाइल, मुझे हाई होप्स हो कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन फिर भी मैं सीओडी मोबाइल के चैनल को टैग कर दूंगा, मतलब अपने लिंक में अगर पॉसिबल हो पाया तो। मतलब क्या सीन है, मेरे तो समझ से बाहर कर क्या रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ भी नया इंटरेस्टिंग, लोग भी बोर हो चुके हैं हमारे तुम्हारे जैसे करना के। मेरा तो एक्चुअली चलो भी वो है, मैं तो लाइव स्ट्रीम करता, लेकिन अभी मेरे साथ थोड़ा इशूज़ चल रहे, जिस वजह से मैंने कहा था कि ट्यूज़डे को लाइव स्ट्रीम आएगी, और इस बार लग रहा है ट्यूज़डे को भी नहीं आएगी, वो बता देंगे हम तुम्हें। वैसे कोशिश करेंगे ट्यूजडे फुल डे लाइव स्ट्रीम, भाई हर बार कहता हूँ मैं, एक तो गर्मी इतनी बढ़ गई है, दिमाग ख़राब वैसे ही हो जाता है भाई, क्योंकि पीसी भी बड़ा हीट निकालता है और लाइव स्ट्रीम फैन वैन बंद करके करनी पड़ती है, तो देखते निकल जाता है भाई गर्मियों में लाइव स्ट्रीम करने का, तो वो भी सीन है अलग। और वैसे आजकल तो मुझे टाइम वाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा रहता है इधर उधर का काम, तो बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे अपडेट्स होंगे। और मतलब 3-4 महीने बाद तो शायद मेरा कॉलेज भी जा रहा हूँगा मैं कोई ना कोई सीरियसली यार बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ जा रहा, लेकिन कॉलेज जाएंगे तो व्लॉग शूट करेंगे फिर। मतलब कॉलेज लाइफ यार मेरे पास 2-3 ऑप्शन हो रखे कि भाई कॉलेज लाइफ मिस करनी, मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो बाद में देखते हैं। चलो कॉलेज लाइफ मिस देखते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी सीओडी मोबाइल के बारे में कर क्या रहे हैं यार वहाँ के डेवलपर्स, बग ग्लिचेस इतनी सारी आती है तुम्हारे, मतलब फ़ोन में गेम चलता नहीं है ढंग से। मतलब मेरे रियलमी X3 ठीक है 20,000 का है, लेकिन चलो 30 सा है, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी यार अगर इस फ़ोन में मैं शायद फ्री फायर चलाना चाहूँ तो मक्खन चलेगा मस्त एकदम, और शायद मैंने एक बार चलाया भी था हाई ग्राफिक, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीओडी मोबाइल में हर तरह की दिक्कत आ रही है, तो मतलब डेवलपर्स कुछ सोच रहा है नया, और तुम्हें अगर नहीं सोच रहा है तो जनता से एक वीडियो बना लो, तुम एक काम करो एक बढ़िया सा उन्हें मेल आईडी दो अपनी, और क्या बोलते हैं तुम अपने ट्विटर हैंडल्स वगैरह डाल दोगे किसी के पास कोई क्रेजी आईडी, क्योंकि भाई एक से एक टैलेंट बैठे हैं, मतलब तुम्हें वो पूरा ऑब्वियसली इंप्लीमेंट तक करके बैठ जाएंगे, मतलब इतने गेम डेवलपर से जो नल्ले घूम रहे लेकिन टैलेंट है, मतलब इतने लोग हैं जिनके पास क्रिएटिविटी आइडियाज़ हैं और वो तुम्हारा गेम में इंप्लीमेंट करने को राजी हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका कोई आइडिया सुन ले, तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, तुम्हारे पास आइडिया नहीं आ रहे तो मतलब तुम्हें कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक्चुअली एक शायद टेक्निकल गुरु जी ने एक पोल कराया, उसमें शायद कल का था वो, उसमें यह है कि भाई कौन सा फ़ोन गेम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं आप, शायद सीओडी मोबाइल है, पबजी है और फ्री फायर है और फौजी है। भाई मतलब लिटरली बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा वोट पबजी को कुछ 80
पर 70% है, फिर फ्री फायर को जा रहे हैं और फिर जाके ना मरा रहे सिक्योरिटी मोबाइल का। मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब 4-5% सिक्योरिटी मोबाइल प्लेयर लवर्स हैं, मतलब क्या बात है यार। पबजी जबकि बैन हो चुका तब भी लोग पबजी पटे हुए, कई लोगों ने गेमिंग छोड़ दी। चलो वो अच्छी बात है कि तुम्हारा बहुत ही बड़ा चस्का था, तुम्हें चप्पल शॉट पड़ रहे, तुम्हारे टीचर गालियाँ दे रहे थे कि भाई क्या करेगा, घर वाले परेशान थे, वो तुम्हारा छूट गया, लेकिन भाई तुमने गेमिंग छोड़ दी, सिर्फ पबजी बैन हो गया इसलिए। मतलब पबजी जैसे और भी कितने गेम्स है, तो ये मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही कि क्या सीन रहता है। तो बस ये गुजारिश है मेरी तो यार, जल्दी से फिक्स कर दो, हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी। और बाकी भाई मैं तो व्लॉगिंग में चला जाऊँगा, गेमिंग चलता रहेगा, ये धीरे धीरे और भी कंटेंट GTA 5 वगैरह PC गेम्स आ जाएंगे, थोड़ा मतलब सब्र रखो। मतलब ठीक है, देखो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, हाँ अभी तक तो मतलब ऑडियो तो डाल दिया और वैसे रियली वाला तो एक डाला है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं था क्योंकि अभी सेटअप नहीं है मेरे पास और ना मेरे पास ऐसा कंटेंट है, मैं रोज़ एक ही रूटीन फॉलो होता है मेरा, तो बात अलग रहती है। तो देखते कि क्या कर सकते हैं, तो मतलब कुछ कॉलेज वॉलेज जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, दंगा मस्ती करते हैं, उदम काटते हैं, ठीक है। तो मतलब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, कुछ अच्छा लगाओ, कुछ अच्छा ना लगाओ तो भी कमेंट कर देना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और लैग देख रहे हो भाई कितना खतरनाक हो गया भाई साहब। चलो तो बस आज के लिए इतना ही था, आखिरी में कहा लीजिए नेवर डाई, कीप गेमिंग एंड बाय बाय।